How would I make sure that you guys are not able to access it? Company ABC wants to create their resources. Company ABC and 123 want, want, want to create their resources, right? Uh, how would they make sure that some other company is not able to see it? machine, machine, It's not only machine. Any uh, resource uh, could be considered here. I will just be saying machine. So it could be storage account. It could be anything, right? So to avoid that or how to prevent that,

Uh, people are able to see my machines and resources, see or access or whatever the level of access I have given, us hisab se right so to achieve that we have virtual network in Azure. Virtual का मतलब all you understand network अभी हमने सिखा, similar चीज जो आप यहाँ पर physically कर रहे थे ना, कि आपने अपना ये बना लिया था network यहाँ पर line cable वगैरह ये सब attach करके, इस चीज को अभी आप वहाँ पर virtually करोगे। clear?

अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल आईपी के नंबर यूज करने लग जाऊंगा तो आप वो में ही कंफ्यूज हो जाओगे हेंस आई एम यूटिलाइजिंग दिस लेट्स से ओवरऑल एज हमारे पास है सिर्फ 200 हमारे पास एज इन जो पूरा आईपी का सिस्टम जो मैनेजमेंट चलाता है इन इनका इनके पास टोटल आई है टू हंड्रेड सिर्फ टू हंड्रेड वो डिडाइस है इस टू हंड्रेड में से कि यार इस रेंज को तो वी विल कॉल इट पब्लिक ठीक है ये हो गया पब्लिक इस टाइम ब्रांडिंग है ये हो गया आपके पब्लिक आईपी देन आई एम सीइंग ये हो गया प्राइवेट ओके सिमिलरली फिर यहां से आके कुछ मैंने बोल दिया ठीक है ये भी है पब्लिक देन ये हुआ प्राइवेट इस तरह से डिवाइडेड है दैट यू गाइस कैन चेक कि किस रेंज में है किस तरह से बट यू यू गॉट द फेयर आईडिया राइट इस तरह से मैंने कुछ इसको डिवाइड कर रखा है मैंने एज जो भी है आईपी का वो डिवाइडेड है तो अल्टीमेटली घूम फिर के आईपी हमारे पास उतने ही है आईपी हमारे पास ज़्यादा नहीं है ठीक है लेट्स अगेन दिस इज़ पब्लिक बाकी सारे एम सेइंग के ठीक है लेट इट बी इन प्राइवेट पब्लिक का तो क्लियर है पब्लिक आईपी स्कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ये वो हो गया प्राइवेट में आई एम सेंग प्राइवेट में व्हेन यू आर यूजिंग इट इन वन नेटवर्क दे कैन टॉक टू ईच अदर बट इसमें भी एक कंपनी में भी डू यू थिंक अ सिंगल कंपनी जो एक कंपनी है जिसमें 400 500 या हजार पी है उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका मैनेजमेंट दे वांट एवरी पीसी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर और एवरी डिवाइस और एवरी डिपार्टमेंट टू हैव एक्सेस टू ईच अदर No. Yes. Yes. No. Who no. says yes, guys? I and mean, don't want the name, it's okay. <laughs> the, the, it was just asking. Naiv, why would you want yes. it? Yeah. So, uh, they want to share, like there are servers. Suppose you create a server. Huh. And uh, the server is on a private IP. Huh. So if so people want to access that server from the why would you record every department? If it is a server for legal department, why would you want your

और एक ये यूज़र है वाट अबाउट रिमेनिंग आई पीज मैंने वेस्ट कर दिए मतलब पड़े हुए मेरे पास फ्यूचर में कभी मैं यूज़ कर सकता हूँ ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ सेकेंड थिंग फाइनेंस तो हो गया अनावा है आई टी डिपार्टमेंट आई टी डिपार्टमेंट में भी मेरे पास जो है चार यूजर्स है लेट्स है और मे बी ओनली टू यूजर्स और थ्री यूजर्स ठीक है सिमिलरली एक सर्वर है जिसके लिए आई पी लगने वाला था मुझको और यूजर वन यूज़र टू थ्री user पांच user है टोटल आई टी में पांच है ठीक है बट वोट डिड आई डू अगेन मैंने कुछ आईपीज यहाँ पर भी वेस्ट कर दी जो मैं फ्यूचर में यूज करूंगा सिमिलरली डिपार्टमेंट बहुत होता है यहां पर देखने के लिए काफी कम लग रहा है आपको बट जब छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट आते हैं ना तो कंपनी का अपना सबनेटवर्क दिस यू वुड कॉल सब नेटवर्क ठीक है सब नेटवर्क अपने आप में बहुत ज्यादा होता है वेर कंपनी वॉन्ट्स कि मैं हर एक नेटवर्क को भी एक दूसरे से आइसोलेशन में रखू मुझको एक चाहिए होगा मैनेजमेंट के लिए सिर्फ सीईओ और सी एक्सओ जो है उनके लिए एक नेटवर्क चाहिए होगा जहां पर सिर्फ पांच लोग हैं आई डॉन्ट ओनली माई सी एक्स टू हैव दिस नेटवर्क यहाँ पर एक सर्वर है दो चार एप्लीकेशन है और मैं चाहता हूँ सीईओ यूज करे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यूज करे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यूज करे दैट्स ऑल इसके अलावा मुझको चाहिए ही नहीं बट फॉर देम आई हैव ये एंटायर रेंज ठीक है भाई मैनेजमेंट ए सी है उन्होंने बोला था मैंने क्विकली ये कर दिया डन यहाँ तक तो समझ में आया है ये आपको कि सी एफ ओ वाले आई टी से नहीं कम्युनिकेट कर पाए आई टी वाले फाइनेंस से नहीं कर पाए फाइनेंस वाले इनसे नहीं कर पाए आई कैन मैनेज इन नेटवर्किंग ठीक है बट नाउ आई कम अनदर डिपार्टमेंट लीगल डिपार्टमेंट आ गया

यहाँ पर मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होगा एक एक आईपी को ब्लॉक करना कि ये वाला इससे कम्युनिकेट कर ना कर पाए द मोमेंट आर इन वन सबनेट तो वो दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर क्लियर है यहाँ तक right. तो इसको काउंटर करने के लिए वी हैव साइडर सी ये ये जो सेग्रीगेशन है ना ये आईपी की ऑलरेडी हो रखी है यहाँ पे मेरा आई डोट है इस तरह का कोई नेटवर्क नहीं है ठीक है अगर उन्होंने प्राइवेट नेटवर्क का क्लास ए बनाया है इसमें <coughs> सॉरी गाइस क्लास ए अगर ये बनाया है ना तो पूरा नेटवर्क ही लेना पड़ेगा मुझको ये पूरा नेटवर्क मैंने ले लिया एंड आई एम यूजिंग ओनली टू रेस्ट मेरा ये हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा आई डो नॉट हैव से नो मैटर कितनी बड़ी कंपनी हो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां पर आप जाके बोलो यार क्लास ए को अमेंट कर सकते हो कि नहीं द मोमेंट यू से क्लास ए

So, ये हुआ मेरा एक साइडर तो द मोमेंट आई से साइडर वो हो जाएगा आपका क्लासलेस आईपी उसके बाद क्लासेस नहीं बचती है ये मेरा हुआ साइडर वन यहां तक आई डिसाइडेड दैट अगर मुझको क्लास में डील करना है तो आई विल गो विथ सेट नंबर्स। बट मुझको अगर साइडर में डील करना है देन आई हैव दिस लिबर्टी कि यहां पर आके मैं कोई ब्रेक लगा दू ठीक है देन आई विल हैव माई साइडर टू हियर इसको मे मैं, बी मैं किसको दे सकता हूँ आई को दे सकता हूँ सो अर्लियर अर्यर वॉज आई डूंग एक ही नेटवर्क में मैं एक डिपार्टमेंट ये कर पा रहा था और मेरे पास तीन ही क्लासेज है जो आई पी ना वेन यू गो हेड एंड रीड के क्लासेज और आई पी का जो आ, ये है प्राइवेट में कितने क्लासेज है क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री तो अगर मैं क्लास के हिसाब से चला जाता क्लास ए बी के हिसाब से ए बी एंड सी वन टू थ्री नी एक्चुअली ए बी सी है डी और ए e, बी है बट यू नॉट यूज देम डी पर्पज के लिए सो so, यूटिलाइजेशन के लिए सिर्फ दो तीन है ए बी एंड सी तो अगर ए को मैं पूरा यूटिलाइज कर लेता तो मैं डिपार्टमेंट तो उस पर एक ही अटैच कर रहा हूं और आईपीज मैंने अननेसेसरी के इतने ले लिए जो यूटिलाइज इट जब पोर्टल पे जाते हैं सो टू काउंटर दैट सिचुएशन वी है so here, yes. okay. तो ये हुआ आपका नेटवर्क का क्लास क्लास को ब्रेक करने के लिए है, साइडर ठीक है

सिंपल है है पब्लिक आईपी यूटिलाइज करना है दैट्स ऑल वैसे पब्लिक आईपी में भी क्लास है बट साइडर वगैरह कोई आपको खास काम में नहीं आने वाला है ठीक है तो ये सिर्फ प्राइवेट आईपी के डिस्कशन चल रहा है और इसके बाद हम मैक्सिमम डिस्कशन वी विल बी हैविंग ऑन प्राइवेट इसके बाद के हम डिस्कशन रिसोर्स है सब कुछ हम प्राइवेट आईपी में ही डील करने वाले आगे पब्लिक आईपी का ज्यादा हमारा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है लेट्स से कि जैसे कि आपने बताया साइडर वन में छह आईवी का ब्लॉक बना लिया और लेट्स से इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आती है तो कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग You to... guys will have to watch the videos, Murtaza. I cannot cover साइडर वाला टॉपिक here. Yes, you can, but how? वो आप लोगों को वहाँ देखना पड़ेगा. You okay. can. लेकिन वो खाली पड़े हैं तो मैंने यहाँ इसको साइडर वन बना दिया, इसको cider two बना दिया. Then we, you cannot. हाँ ये खाली पड़े कहीं पर है नहीं देन यू कैन लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है लाइव इन्वायरमेंट में नेटवर्किंग बहुत ज्यादा ध्यान से बनाई जाती है बिकॉज द मोमेंट यू चेंज समथिंग समय इस रेंज को चेंज करोगे ना तो आपके एग्जिस्टिंग पूरा का पूरा कन्फिग्रेशन हिल जाएगा सब कुछ मूव हो जाएगा और एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है तो अगर तीन चाहिए होता है ना फ्यूचर कंसिडर करते हैं वो छह ही ले लेंगे सी डबल इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ने वाला है इतना उनका मार्केटिंग टीम फोरकास्टिंग टीम इतना उस पर काम कर चुका होता है स्टिल so, कभी okay. कोई कंडीशन आती है तो टेक्निकली इट इज पॉसिबल बट हाउ टू डू वीडियोस ठीक है साइडर बनाते हो तो आप ये भी ध्यान देते हो कि इनमें से कोई आई पी आपका ऑन प्रिम में भी यूज नहीं हुआ है ये आपके पास ये लिबर्टी नहीं है दैट ऑन प्रिम में आपने ये रेंज यूज कर रखी है और क्लाउड पे आके भी आप ये रेंज यूज कर रहे हो आई मीन यू कैन डू इट लेकिन बाद में कॉन्फ्लिक्ट होगा सेम मशीन जो है दो दो मशीन हो जाएगी एक आई की सो मैने भाई यू क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑन क्लाउड जहां पे आपका क्लाइंट का ऑलरेडी कुछ सेटअप है कहां पर ऑन प्रिम पे तो आप नेटवर्क बनाने से पहले एक चीज़ को फोकस में रखोगे कि कौन कौन से आई ऑन प्रिम पे यूज हो चुके हैं एंड यू विल मेक श्योर कि वो आई को आप यहां नहीं यूज़ करोगे क्लियर है जो स्क्रैच yes. से बना रहे हो वहां पर तो ठीक है आप सब कुछ यूज लो स्क्रैच से बना रहे हो फाइन ओके नाउ वर्चुअल होम्युनिकेट ईच अदर इट अप जो जैसे भी याद रखना है याद कर लो इंटरव्यू क्वेश्चन में इसी तरह से आने वाले वीनेट के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते ने so,

दोनों के दोनों वेस्ट यूएस में के नॉट कम्युनिकेट एकट इज इट क्लियर टिल हियर ओके नाउ इट्स इट्स अ लार्ज थिंग ठीक टिल्ज थिंगट एक बड़ी चीज है hmm. में मैंने बताया आपको मिलियंस में आई आ जाएंगे आई आई वांट टू हैव अ अग्रीगेशन वीनेट में भी जो है ना लेट्स से आई वांट टू हैव सम सेग्रीगेशन एक मैंने वीनेट बना लिया ये है मेरा लीगल डिपार्टमेंट के लिए ठीक है VNet का, suppose, range मैंने लिया है. दो से ले के फोर्टी तक मैंने आई पी बुक कर लिया है ठीक है अब इसके अंदर में कुछ पैरा लीगल हो गए मेरे कुछ सीनियर लॉयर्स होंगे कुछ उस तरह का डिपार्टमेंट होगा जिसमें काफी एक्सट्रीमली हाईली क्वालिफाइड लॉयर्स है कोई सी ए है

इफ आई डिन नॉट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर तो मैं क्या कर सकता था वट इज द बेस्ट ऑप्शन मैं चाहता ही नहीं दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करे। तो वॉट इज सिंपल, डिफरेंट सीनियर लॉयर को यहाँ पर डाल दो इंटरस uh, uh, को यहाँ पर डाल दो बट दैट इज नॉट द मोटोर आई वॉन्ट दिसर बट विद आई वॉन्ट के इन lawyers, ये जिस पे बैठने वाले ना जिस वी लाइन पे बैठेंगे वर्चुअल नेटवर्क पे बैठेंगे सब लाइन पे बैठेंगे मिस यूज नहीं करेंगे

मे बी कुछ अनऑथराइज साइट को एक्सेस करेंगे कुछ वीडियो प्ले कर देंगे

I want. I don't want to have. I don't want them to have internet. Simple. No internet. Internet. Simple access. Just to make it more simple. Clear our requirement. But with this, I want that they should communicate with each other. So I will use this one. So I say, what did you understand? Can subnets talk to each other? Yes. Yes. Vnets cannot talk to each other. Subnets.

yes sir. anyone who did not understand before i go to portal now so i'm saying virtual networks vnet 1 vnet 2 vnet 3 yes guys any question while i'm drawing this vnet Iske andar hai subnets a subnet to hona hii, default subnet without default subnet you cannot create Directly under VNet, you cannot create anything. I hope these things are clear, guys. I I won't be hearing these questions again. KR, can I have it without subnet? Please, if, if you're missing on something, uh, watch the recording, please. Okay, so this is my vnet one. VNet two. Yes, guys, any questions, please, while I'm draw, uh, drawing this? So I I have a question. Yeah, yeah please. Uh, so yeah. you showed how to uh, detach the uh, private IP addresses in your virtual machines once you make them. Uh, how uh -huh. to detach public IP address? Sorry. Right. Uh, mean right. How to on a virtual machine? How to just keep a private IP uh -huh. and detach the public to uh -huh. remove the public IP. So, yeah, yeah. What is the question? Just, how, how do you do it if you have a? No, no, no it's just, okay. It is... See, see, well, two two quick questions. Sorry, I'm being very fast here. Uh, two sure. things. One.

Yeah, but once it's created, then how do we detach it? Like it's yeah, we'll, we'll cover there. that later. We'll cover that later. It will come here. So don't worry. You've not covered that, right? No, no, I had a with Salman we, because I was trying to do the load balancer this class today morning. Hmm. So, uh, Salman, Salman, he told me to like, create four virtual machines. Hmm. So, while creating the virtual machines, I was not able to get all the four virtual machines in the same VNet. Like, keep all the four virtual machines within the same VNet. Hmm. So, so yeah, how is it I, relevant I, with I, I, the public ip? Yeah. how this situation has this has nothing to do with your public ip wallet question? no, no, no. that is different. sir. but how do we keep in one VNet? how do we keep four machines or multiple machines? within? you select one, here, one you come Bnet. here, and you select here. Yeah. first thing, jovi venet, apapella, bangia, you make sure you are taking the same. this is already there again. Uh, yeah. region will be the same. region uh, will be the, the same. All the four machines. Uh, or you have proper virtual network, now i'm not sure if i have anything in central us. and here you should be able to see a virtual network if it is there if it virtual you, I, created on, one. Hmm. I created one virtual machine with vnet vm01 vnet vm01 was a vnet then when i went to create a second virtual machine hmm. it is giving me the option to create a new vnet it was not showing me that first previous vnet like it will VNet, give you an option made. to create but if you see, check in drop down you should be able to see it if, yeah, if so you're it not, was not showing that sir. then maybe you're Probably not selecting the region, region.

आईपी सर्वर का एक अलग रिसोर्स ग्रुप बनाया था जस्ट टू शो यू गाइज दैट वीनेट नथिंग टू डू विध योर रिसोर्स इवन इफ इट इज इन डिफरेंट रिसोर्स इट शुड अपियर आपका क्वेश्चन में आईम सेफ इट इज इन डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप तब भी आ जाएगा वॉट इज दंडीशन शुड रीजन सेम रीजन सेम रीजन शुड मल्टीपल डिफरेंट इमेज लाइक यू कैन यूज वॉट प्रैक्टिकल और यू डूइंग

सब्सक्रिप्शन okay. सब्सक्रिप्शन में रहेंगे जो भी अलग-अलग यूनिट्स अलग तो सब आ जाएंगे आई होप क्लियर टू एवरीवन वन दैट विच सबनेट्स कैन टॉक टू ईच अदर विच एंड नेम्स आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अलग अलग नाम दे रहा हूँ आप इसमें भी सबनेट वन और उसमें भी सबनेट वन रख सकते हो अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क दिस वर्चुअल नेटवर्क विल नॉट नो कि यहाँ पर क्या है तो यू कैन हैव सबनेट वन हेयर एंड यू कैन हैव सबनेट वन हेयर सो इज दस्ट क्लियर टू एवरी वन दट मशीन्स फ्रॉम इफ इफ आई हैव सम मशीन्स हेयर ये सलमान भाई यू कैन आज द क्वेश्चन मीन Uh, so well i have a question like uh, if you use public ip on vnet like vnet 1 and vnet 2 so in that way we can communicate with different VNets. no we'll come to that we'll come to that don't worry no and, and that is not at all uh, applicable we'll come to that uh, that if it is a business requirement how will you how will you make these VNets communicate with each other but that is definitely not public ip we, we have complete different uh, service for that we'll come to that don't worry just because you have asked out of curiosity

आप एक मशीन पर पब्लिक लगा दो पब्लिकली वो तो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन हो गया देन क्लियर कि ये मशीन दो, 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 को आप इस मशीन से पब्लिकली बात करवा लोगे डायरेक्टली बट इज़ इट हैपनिंग वो यहाँ से होकर आपके वीनेट से होके जा रही है कि वो कम्युनिकेशन तो डायरेक्टली यहाँ से जा रही है देन दैट कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली हैपनिंग इसके पब्लिक आईपी से इसके पब्लिक आईपी पे वो इंटरनेट कम्युनिकेशन होगी उसमें जो आप अपने वीनेट पे जो रूल्स लगा सकते हो जो इंटरनेट एक्सेस देना है नहीं देना वो कुछ भी काम में नहीं आ रहा है देन your vnets are not talking to each other then clear hai? clear clear. Sorry. and i told you public ip kabhi use hota hi nahi production environment mein. Kabhi nahi hoga. yes yes i was just okay. asking uh, as a scenario, Haan, that, that's completely fine do ask I, I never discourage questions to us but it, is it clear that if if public ips are talking then your vnets are not talking your public ips are talking then clear clear sorry. okay so is is this clear that under a vnet now can these two machines talk to each other guys no no, no. can no. these two machines talk to each other no these two machines guys yes why no design. okay can't see okay no sir means we could not see your drawing like the last part is it visible Just now the last last part. yeah it's visible but we could not see the drawing like i don't i hmm. Only like the they mission. can can these two machines talk to each other yes yes bahut pas karna bahut aasan hai and what about these two machines can these two machines talk to each other yes yes yes, yeah. yes. what about these two machines can they talk to each other yes yes yes, yes. 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 these two machines yes. yes yes these two machines no 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 no, no, no okay. so i hope this is clear subnets okay. can talk to each other v nets cannot talk to each other clear this is by it default we are is. discussing tk obviously there will be conditions जहाँ पर business requirement आएगे and बहुत बार आते हैं and that will be one of your roles. Vnet pairing कैसे करना है but we're gonna learn that later. Till here is it clear to everyone? Yes sir. Yes. Okay. So now we have 3 minutes left. I'll quickly go to portal and show it to you ke virtual network banta kaise hai and in today's आ uh, task will give you some tasks to create. Virtual network and subnet. So you can click on virtual network. I'm not talking about that now. I want you to create it from scratch. So here you can see your existing virtual networks and you can create new. So I, I click on create new. I'll select my subscription. I'll select my resource group. Okay, I'll give a name. किसी भी तरह का नाम दे सकते हो आप आई सेलेक्ट अ रीजन एंड ऑब्वियसली वे आर क्रिएट ये आपका डिफॉल्ट ये बन गया यहां पर मैंने कोई आईपी के रेंज में आपको कुछ नहीं बताया यहां पर बिकॉज यू हैव नॉट रेड द आई पी डिटेल्स येट तो आप एक बार आईपी डिटेल्स को पढ़ लो उसके बाद हम इसको आईपी से भी डिस्कस करेंगे कि IP change can I okay unable to get deployment status? Okay. So here it is now if I go ahead and check my virtual networks, I will have two virtual networks. I should have two of them. That will take some time. We'll go back and check Deep again. But yes, we'll have to refresh and or we'll have to refresh it from here. But we have only two minutes, so we're not going doing that. So you simply have to come here, search. Now, overview the same We have seen it. We are not discussing anything. Diagnose this part you have to cover. Subnets. You come here. Default subnet. Can you see? A default subnet here already. I want you to create more subnets. Like click here. सबनेट वन ये सब बाद में देखते हैं हम जब आप लोग नेटवर्किंग के थोड़े वीडियोस देख लोगे ना देन दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट ये ट्वेंटी फोर क्या है क्यों है सबनेट वन अभी फिलहाल जो डिफॉल्ट आ रहा है ना आप उसी पे बनाओ ये नंबर्स को डिफॉल्ट रहने दो बस आई वांट यू टू क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क और एक दो तीन सबनेट्स दैट्स ऑल ठीक है सो दिस इज योर वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पर दिखता है आपका सबनेट Clear, guys, to everyone, yes, sir. Yes, meanwhile, let me see if it is appearing here. Okay, here it is now. Yes, okay so any anyone has any question? Kissy doubt coach, less than a minute is bhai. left. Hmm. Wo video ka link mil I'll share it, I'll ba, share, I'll share it, I'll share it in the group. Yeah, I'll share it in the group. Also, please see for the subscription for me. Okay, I'll, I'll see that. Okay, guys, uh, we'll stop the session for today, and I'll uh, add the task and questions. You have a whole week complete task questions and uh, prerequisite videos. See you next week, guys. Bye. Thank you, Shulman. Thank you. Thank you, much